रॉ नंबर सेवन, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। इसमें आपको मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। ओके, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। हियर इट इज गिवन टू यू, z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। आप हालांकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो मैक्सिमाइज रहेगा या मिनिमाइज के लिए रहेगा। ओके, सब्जेक्ट टू ये है इसके कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस और इन नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। रिस्ट्रिक्शन आपको x प्लस 2y दिया हुआ है। नाउ सी, ये जो z दिया है इसमें अगर हम 5 कॉमन ले ले तो आपको x प्लस 2y मिलेगा। मतलब इस केस में भी ऐसा हो रहा है कि जो आपका z है, एक्चुअली z इस इन इक्वालिटी को प्रोपोर्शनल है, आइडेंटिकल है। ओके, इसका सीधा अर्थ ये है कि इस केस में आंसर जो आएगा वो 5 इंटू दिस, ये 120 है, 5 इंटू 120 600 आएगा। मतलब एक आंसर आपका 100% 600 है। ओके, एक आंसर आपका 600 हो गया, बाकी रह जाता है दूसरा आंसर। या तो मैक्सिमम वैल्यू 600 आएगी या मिनिमम वैल्यू 600 आएगी, और जो भी वैल्यू 600 आएगी ना वो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे आएगी। ओके, क्लियर? तो कोई एक वैल्यू आपकी 600 है। यू गेट दिस? पहला कंडीशन x plus 2y less than equal to 120 है, दूसरा x plus y greater than equal to 120, और तीसरा x minus 2y greater than equal to 0 है। ओके, एज यूजुअल हमारा जो प्रोसीजर है हम उसे फॉलो करेंगे। ये बताइए क्या मैं क्वेश्चन मिटा दूं? बिकॉज आई नीड द स्पेस। क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके, नाउ सी, इनइक्वालिटी लाइन पॉइंट्स एज फार एज इनइक्वालिटी कंसर्न। पहली इनइक्वालिटी आपकी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 है। इसके लिए जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 है। इसके लिए जो पॉइंट्स है, एक पॉइंट आपका a जिसमें हम y को 0 लेंगे तो x आपका सीधे सीधे 120 आ जाएगा, और एक है b जिसमें आप x को 0 लोगे तो y सीधे सीधे 60 आ जाएगा। फिर बात आएगी रीजन की, इस केस में हम आते हैं। नेक्स्ट है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। लाइन ड्रॉ होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, इसमें एक पॉइंट आपका 60 0 होगा और एक पॉइंट आपका 0 60 होगा, आपका ये पॉइंट भी वही है। ओके, और तीसरी इनइक्वालिटी है x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, इसमें लाइन होगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट आपका सीधे सीधे 0 0 आएगा ओरिजिन। अगर आप x 0 ड्रॉ करोगे तो y भी 0 हो जाएगा, मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जहां से ये लाइन पास हो रही है, आप सबसे पहले तो ये देखिए नंबर्स बड़े हैं। ओके, 60 120 इस तरह के नंबर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 20। तो यहां से क्लियर अपना स्केल जो लेंगे वो लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट्स। ठीक है, तो आप क्या करो, दूसरा पॉइंट जहां फाइंड करोगे, सपोज दूसरा पॉइंट आपका आर है, ठीक है, उस R पॉइंट को आप क्या लीजिए, आप Y ले लीजिए 20, अल्टीमेटली X आ जाएगा, हमने Y ले लिया 20। अगर हम Y को 20 लेते हैं तो ये लाइन आपकी X इक्वल टू 2Y है, अगर Y 20 लेते हैं तो X सीधे सीधे आपका 40 आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट 0 0 है ओरिजिन और एक है 40 20। ओके, अब बात करते हैं इनके रीजंस की। रीजन, पहले केस में रीजन क्या रहेगा? क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आप चाहो तो माइक ऑन करके बता सकते हो। पहले केस में रीजन क्या रहेगा? टुवर्ड्स ओरिजिन, गुड। अगर हम यहां पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट अप करें तो ओरिजिन लेस देन 120 मींस 0 लेस देन 120, आंसर इज यस, तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। सेकंड केस में अवे फ्रॉम ओरिजिन, गुड।
सेकंड केस में सीधे सीधे अवे फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा, क्योंकि यहां पे ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 ड्रॉ करेंगे। इज 0 लेस देन 60? बिल्कुल नहीं। इज 0 इक्वल टू 60? बिल्कुल नहीं। 0 60 के बराबर भी नहीं है और 0 60 से बड़ा भी नहीं है, ओके, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, अब आती है थर्ड केस की बात। ओके, थर्ड लाइन तो ऑलरेडी ओरिजिन से पास हो रही है। अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, इसका लाइन हम कैसे डिसाइड करेंगे। हम ग्राफ पे आते हैं, ये ग्राफ, जैसे मैंने बताया था हम स्केल लेंगे। स्केल में हम क्या लेंगे, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 60, ठीक है, देन 80, देन 100, देन 120। तो ये आपका पॉइंट ए 120, बी पॉइंट ये हो गया आपका 20, 40, 60, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो ये आपका पॉइंट बी 060, यही पॉइंट आपका बी है, पी पॉइंट आपका ये है 60 0। सबसे पहले आप ये आर पॉइंट प्लॉट कीजिए, ठीक है, आर पॉइंट है आपका 40 20, ठीक है, एक्स ये रहा 40 और वाई ये रहा 20, तो ये पॉइंट है 40 20, दिस इज द पॉइंट आर। ओके, ये पॉइंट आपका आर है और ये ओरिजिन। इनको आप ज्वाइन करो, सबसे पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इनको ज्वाइन करो। ओके, अब ये लाइन ड्रॉ होने के बाद स्केटिंग या तो इधर जाएगा, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ओके, या फिर नीचे आएगा नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। इन शॉर्ट, अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स की तरफ हो रहा है शेडिंग, और नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स की तरफ हो रहा है। ओके, तो आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसे आप पुट अप करके ये चेक कर सकते हो कि इनइक्वालिटी कहां सेटिस्फाई कर रही है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब ये पॉइंट क्या पुट अप करना है वो आप देखिए और आप मुझे बताएंगे कि कहां शेडिंग होगी, y की तरफ या पॉजिटिव x की तरफ। क्वेश्चन टुवर्ड्स यू, आप लोग देखिए कहां शेडिंग होगी। इससे रिलेटेड 11th स्टैंड में मैं आपको बता चुका हूं, इससे रिलेटेड जो 11th स्टैंड के वीडियोस मैंने सेंड किए हैं उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन है। यस, डाउनवर्ड मीन्स कहां, पॉजिटिव वाई की पॉजिटिव एक्स, ओके, अंशिता का आंसर पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रहा है। व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स, सात स्टूडेंट प्रेजेंट है यहां पे, आठ दिखा रहा है उसमें एक तो मैं हूं, ठीक है, सो आंसर शुड बी गिवन बाय ऑल ऑफ यू। टिया का आंसर भी पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रहा है। टिया अंशिता दोनों का आंसर पॉजिटिव एक्स की तरफ है। What are remaining? अंकिता का भी पॉजिटिव एक्स की तरफ है। किसी को डाउट है तो डाउट पूछिए प्लीज। ये तीनों ने जो आंसर दिया वो सही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ ही जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछिए। रिमेनिंग स्टूडेंट्स, दर्शन, हर्षल, प्रशांत, ओमकार, कृष्णा, अगर डाउट है तो पूछिए बेटा। एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कीजिए, या फिर मैं ये कंसिडर करूं कि आप लोग यहां पे हो लेकिन एब्सेंट हो एक्चुअली। व्हाट शुड आई कंसिडर? देखो बहुत सिंपल है, हमने ये लाइन ड्रॉ की है
आपको ये पता है कि इनइक्वालिटी है, दिस इज द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन है, ये हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। दर्शन ये बताओ, जो हमने लाइन ड्रॉ की उसमें कोई डाउट है क्या? लाइन समझ में आ गई कैसे ड्रॉ की हमने? माइक ऑन कीजिए प्लीज, टाइपिंग में बहुत समय लग रहा है। नो डाउट, क्लियर है। लाइन पता चल गई कैसे ड्रॉ की? यस सर। अब इनइक्वालिटी किसी एक तरफ शेड होगी, तो शेड किस तरफ होती है? जिस तरफ का कोई पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। अब देखिए ऊपर ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है 0 60, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 ड्रॉप करें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक्चुअली क्या है, ये इनइक्वालिटी आपकी एक्चुअली एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2y टाइप की है, ठीक है। तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 120 हो जाएगा अगर ये पॉइंट पुट अप कर रहे हैं तो। एक्स के लिए 0 आ गई और वाई के लिए 60 पुट अप की, तो 260 जा 120, यू गेट 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 120, जो कि गलत है। 0 ना ही 120 से बड़ा है, 0 ना ही 120 को इक्वल है, ठीक है। मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसे सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट नीचे का देख लीजिए, नीचे का पॉइंट सपोज ये ले लीजिए 60 0। तो यदि हम एक्स के लिए 60 पुट अप करें और वाई के लिए 0, हमें मिल रहा है 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप नोटिस कर सकते हो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 60 की वैल्यू 0 से बड़ी है। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका शेडिंग नीचे की तरफ आएगा। ये जो पॉइंट आ रहे हैं मैं यहां लिख रहा हूं आर, इट इज 40 20, तो इसका शेडिंग नीचे की तरफ आएगा, शेडिंग ऑफ दिस लाइन विल बी डाउनवर्ड्स, ओके। अब किसी को डाउट, क्योंकि और कहीं आपको डाउट मेरे हिसाब से नहीं आएगा, आपका डाउट लाइन पे जो ओरिजिन से पास हो रही है। यस, एनी डाउट? बाकी तो लाइन इजी है, ये रहा आपका लाइन ए बी, और ये रहा आपका लाइन पी क्यू, ठीक है। ग्राफ पे आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा। अब पी क्यू लाइन जो हमने ड्रॉ की है, वो लाइन एक्चुअल इस पॉइंट से पास होगी, ओके। वो लाइन आर पॉइंट से पास होगी। आप जब एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो आप यही नोटिस करोगे कि लाइन यहां से पास हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। आर 40 20, ओके। आर के कोऑर्डिनेट्स 40 20 है। जब आप यहाँ पे एक्स के लिए 40 और वाई के लिए 20 पुट अप करोगे, यू गेट 40 + 20 इज इक्वल टू 60। मतलब पी क्यू जो लाइन उस पे आर पॉइंट प्रेजेंट रहेगा, ओके। दिस आर पॉइंट विल बी प्रेजेंट ऑन द लाइन पी क्यू। आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे वहां से आपको एग्जैक्ट मिलेगा, दिस इज योर आर पॉइंट, दिस इज 40 20, ठीक है। अब देखिए रीजन्स, रीजन्स में 1 2 3 4 5 6 छह रीजन्स है। आपको ये पता है कि हमारे पास एक्स कॉम वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 था, मींस व्हिच रिप्रेजेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। ये छह रीजन्स है। इन छह रीजन्स में जो ओरिजिन से वाली लाइन थी वो नीचे की तरफ आएगी। बाकी दो लाइंस के लिए क्या क्या कहा हुआ है? दिस लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये इस तरफ आएगी और ये इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो आपके हिसाब से कॉमन रीजन कौन सा होगा, विच विल बी द कॉमन रीजन? मैंने छह रीजन लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कॉमन रीजन कौन सा है इसका? आप चाहो तो ग्राफ पेज पे खुद ये लाइंस ड्रॉ करो, आपको समझ में आ जाएगा। बेटा आप पी ए आर एम पी लिख रहे हो, एम क्या है मुझे पता नहीं, आप रीजंस बताओ ना। यहां पे मैंने रीजंस को नंबर देके रखा हुआ है। अच्छा, जिसने पी ए आर एम पी लिखा था, हो सकता है ब्लर दिखाई दे रहा हो। पी ए आर एम पी आपने लिखा है, तो एम पॉइंट ऑफ डिटेक्शन कौन से दो लाइंस का है?
प्लीज रिस्पॉन्ड, कहिए। ओके, सिक्स्थ रीजन, माइक को थोड़ा सामने रख के बात कीजिए। सिक्स्थ रीजन, ओके, योर शेडेड रीजन विल बी दिस सिक्स्थ। ओके, ये जो सिक्स्थ रीजन है, दिस विल बी योर कॉमन रीजन। ओके, क्लियर। इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हो, ये पॉइंट सपोज आपका एम, ठीक है। अब एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चार कॉर्नर पॉइंट्स हैं। पी इसका आपको पता है 60, आर आपको पता है 40, 20, ए आपको पता है 120, बाकी जो एम है, एम आपको फाइंड करना पड़ेगा। और एम इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, यू कैन से ए बी, ये जो पहली लाइन है ए बी, एंड ओ आर जो तीसरी लाइन है ओ आर, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और इन दोनों में सबसे खास बात यह है, मतलब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन है, इन दोनों में सबसे खास बात यह है, कोएफिशिएंट 2 है, एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, मतलब डायरेक्ट ऐड करके आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, एम के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ओके, एक ये है। दूसरा, आप में से कौन कौन ग्राफ पेपर यूज कर रहा है? यदि आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो तो एम आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इफ यू यूजिंग ग्राफ पेपर तो आपको M डायरेक्टली मिल जाएगा। मेरे हिसाब से M 60-30 आना चाहिए, X 60 आएगा और Y 30 आएगा मेरे हिसाब से। M is point of intersection of line AB, जिसकी equation x plus 2y is equal to 120 है, and OR जिसकी equation x minus 2y is equal to 0 है। Add करेंगे तो आपको x plus 2y is equal to 120 और x minus 2y is equal to 0. Addition के बाद ये 2x is equal to 120 हो गया, x 60 आ जाएगा, 14 or y आपका 30 आ जाएगा। Therefore m आएगा 60-30। आप calculate कीजिए, m आपको 60-30 आ जाएगा। m it is the point of intersection of first line AB and third line OR, ओके? इन दोनों में आप सीधे से एडिशन कर सकते हो इक्वेशंस में, बिकॉज एक जगह पे आपको 2y पॉजिटिव दिया है, एक जगह पे 2y नेगेटिव दिया है। डायरेक्ट एडिशन से आपको 2x इक्वल टू 120 मिलेगा, x के लिए 60 मिल जाएगी। ओके, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x एज 60, पुट इन दिस इक्वेशन थर्ड OR, x के लिए यहां पुट अप करोगे आपको y 30 मिलेगा, मींस m पॉइंट आपका 60-30 आ जाएगा। ओके, एनी डाउट? मतलब सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। अब आपके लिए आखिरी काम रहता है, वो है z की वैल्यू फाइंड करना। ओके, इनइक्वालिटीज वाला जो पार्ट है, ये टेबल ये मैं मिटा रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। इस केस में ग्राफ में स्केल लिखना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग 1 सेंटीमीटर एज 20 यूनिट्स, तो यहां पर स्केल मेंशन करना जरूरी है। इन दिस केस, इन दिस ग्राफ, यू हैव टू राइट द स्केल। ओके, नाउ एम एट द पॉइंट ए, ए पॉइंट है 120, सबसे पहले, सॉरी, जेड, जेड एट द ए, सबसे पहले जेड क्या था? जेड था हमारा 5x प्लस 2, 10y, जेड हमारा 5x प्लस 10y है। जेड ए मींस जेड एट द पॉइंट ए, ए पॉइंट 120 है, यू गेट 5 इनटू
120 प्लस 10 इंटू 0 ये 600 आ गया. देन z एट द पॉइंट p, p पॉइंट है 60 0, ये है 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0 ये 300 आएगा. z एट द पॉइंट r, r पॉइंट है 40 20, ये आएगा 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20. 5 into 40 gives you 200 plus 200 and this leads to 400. Okay, and lastly z at the point m, m point is 60 30, ye aayega 5 into 60 plus 10 into 30 ye bhi 600 aa jayega. 5 into 60 300 aayega and 10 into 30 300 aayega. Okay, ये 300 है. मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 300. आप नोटिस कर सकते हो जेड की मिनिमम वैल्यू 300 है. ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 300. एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट है पी 60 0. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 600. मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मिनिमम या मैक्सिमम कोई एक वैल्यू 600 आएगी. ये मैंने आपको प्रॉब्लम के स्टार्ट में बता दिया था. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 600 आ रही है और 600 कहां पे आएगी? आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक है पॉइंट ए और एक पॉइंट है एम. आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट दिखाई दे रहा है यहां पे और यहां पे, जेड के लिए 600 आपको दिखाई दे रही है. एक्चुअली ये जो लाइन है ए एम, ए से लेकर एम, आगे नहीं है, ए से लेकर एम का जो लाइन सेगमेंट है, इस पूरे लाइन सेगमेंट पे जेड की वैल्यू 600 आएगी. ओके, फ्रॉम ए टू एम और यू कैन से फ्रॉम एम टू ए, ये जो लाइन सेगमेंट ए एम है, इस पूरे लाइन सेगमेंट ए एम पे जेड की वैल्यू 600 आएगी. ओके, यस, एनी डाउट? Any doubt? पीछे हमने पॉइंट्स भी देख रखे हैं. ये इसके लिए आएगा एट पी 60 0 और 600 केस में आएगा ऑन लाइन सेगमेंट ए एम. ऑन लाइन सेगमेंट ए एम आ जाएगा. ठीक है.